Hi everybody, Assalamualaikum. This is Dr. Wajiha Javed and I welcome you to our series of debunking myths of COVID-19. Aaj ki episode, we will be talking about people who have recovered from COVID-19, are in the convalescent phase. Aaj mein bas teen esteemed panelists maujood hai, both from within the country and outside the country, who will be talking to us about COVID-19. जब इंसान एक रिकवर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है. वी हैव विद अस डॉक्टर मोहम्मद इरफान हु इज अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी एट आगा खान यूनिवर्सिटी. वी हैव विद अस डॉक्टर बुशरा जमील हु इज द प्रोफेसर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी इन पाकिस्तान. वी ऑल्सो हैव डॉक्टर हामिद मर्चेंट हु इज द लीड फार्माकोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड यूके. सो थैंक यू एवरीबडी वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का. सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी वांटेड टू चूज दिस टॉपिक वाज बिकॉज लोग रिकवर हो रहे हैं इस वक्त कोरोना से, लेकिन रिकवरी के बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें सिम्टम्स रहते हैं. देयर फैमिलीज हैव क्वेश्चंस फॉर अस. वी हैव बीन रिसीविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन आवर फेसबुक पेजेस एंड वी वांटेड दैट आवर पैनलिस्ट कुड कम एंड एक्सप्लेन अ कपल ऑफ दीज इश्यूज टू अस. सो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछती हूँ. सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अराउंड कि पोस्ट कोविड केयर होती क्या है. समबडी हु इज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 इज नाउ नेगेटिव, इज नो लॉन्गर इन्फेक्शियस, उसके लिए पोस्ट कोविड केयर क्या होती है जब वो वापस अपने घर जाते हैं और दे स्टार्ट डूइंग वर्क. एनीबडी इज वेलकम टू आंसर बिकॉज इट्स अ जनरल क्वेश्चन. मैं थोड़ा सा जो है ना इस पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पोस्ट कोविड केयर क्या है. देखिए, जब आप रिकवर कर गए, कोई भी पेशेंट अगर कोविड से और हॉस्पिटल में था या घर में था और अब नॉन इन्फेक्शियस हो गया, सो मुख्तलिफ किस्म के जो है उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एक सिनेरियो तो है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो बिल्कुल ठीक हो और नॉर्मल ज़िंदगी अपनी शुरू करे जैसे पहले था और उसको किसी चीज़ की कोई ख़ास परहेज की ज़रूरत नहीं है. दूसरे जो है उसका डिफरेंट एंगल्स हैं, फ्रॉम माइल्ड सिम्टम से लेके और काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी तक. इट डिपेंड्स करता है कि वो इतनी सीवियर डिजीज़ से रिकवर हुआ है. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक मेंटल ट्रामा की, कि जो सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, वो साइकोलॉजिकल इशूज़, मेंटल, उसमें डिप्रेशंस भी हैं, एनजाइटी है, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है और फेयर है कि बच के आगे अस्पताल से और बाद लोग वेंटिलेटर से बच के आए. तो ये सारे बहुत बड़े बड़े मेंटल ट्रॉमा हैं जिससे वो गुजर रहे होते हैं. और उसमें एक तो ये है कि पूरी फैमिली साथ में, उनके दोस्त अहबाब जितने भी हैं, उनको बूस्ट करने की ज़रूरत है कि मेंटली जो है ना वो रिलैक्स करें, अल्लाह ने उनको सेहत दी है या सेहतियाबी के बाद वो घर में आ गए. और दूसरे जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल, उनकी बीमारी वो अपना नॉर्मल की ज़िंदगी काट सकते हैं, अच्छी खुराक, लाइट एक्सरसाइज जो कर सकते हैं और नॉन इन्फेक्शस हो गए हैं तो लोगों से जो है ना वो मिलना जुलना बहुत ज़्यादा ना करें क्योंकि अभी वो कमज़ोर हैं, तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मोबाइल पे चैट कर सकते हैं, तो अपने आप को सोशली जो है वो मसरूफ़ रखने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो कम सके. तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो जो है ना वो इससे फेस करें. बाद जो है वो फिजिकल इलनेसेस की तरफ आते हैं. बहुत सारे लोग जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी है, नमूनिया हुआ है, ये लोग हैं जिनको सांस में तकलीफ होती है वीकनेस की वजह से, तो उनका ये है कि अगर उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन सही है, 94 से ऊपर है, परेशान ना, उनको किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. लाइकवाइज सांस में थोड़ी तकलीफ हो सकती है वीकनेस की वजह से हो, सारे डैमेजेस होते हैं. रिकवरी के अंदर लोगों को 4 वीक्स 6 वीक्स अप टू 12 वीक्स टाइम भी चाहिए होता है. ने डॉक्टर की फॉलोअप रहे और जैसे दवाइयाँ प्राइव हो रही हैं या गली कम हो रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उसको फॉलो करें, क्योंकि लंग में बहुत सारे किस्म के इससे मसाइल हैं
किसी को फाइब्रोसिस है, किसी को पोस्ट कोविड और कॉम्प्लिकेशन है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सेटल होती जाएंगी। ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ऊपर है तो परेशानी की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 90 से नीचे जाती है तो मुनासिब है कि खास तौर पे एग्जर्शन के दरमियान अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करें और कम होती है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से, और दवाइयाँ जो है उसके साथ वो इस्तेमाल करें। बाकी जो फिजिकल वीकनेस है उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं, उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट्स यूज़ करें से रिकवरी फिजिकल इलनेसिस की पोस्ट वायरल कंडीशन में बहुत जल्दी होती है और बेहतर होती है। हाई प्रोटीन डाइट से मुराद गोश्त का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल, दूध, साथ में मल्टीविटामिंस या जो प्रिस्क्राइब की गई हैं दवाइयाँ वो सारी इस्तेमाल करें, तो इससे जो है ना ये पोस्ट रिकवरी फेज़ उनका बेहतर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हम पोस्ट कोविड केयर कहते हैं। उस दरमियान में इंसान जो है इम्यूनोलॉजिकली या कुव्वत मुदाफियत के तौर पे कमी होती है इसमें, तो मेरा मशवरा ऐसे लोगों का होगा कि जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्पेसेस में जाना, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने से परहेज करें, क्योंकि आम नज़दा ज़ुकाम या आम दूसरी जो वायरल इलनेसेस है उसके लिए भी ये प्रोन होते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी सी दवाइयाँ भी मिली होती हैं जिससे इम्यूनिटी और कम हो जाती है। तो अपने ये अगले फेज़ के अंदर थोड़ा सा एहतियात करें और अपने आप को जब तक के फुल्ली रिकवर ना कर जाएं तो इस तरह से क्राउडेड स्पेसेस से परहेज करें। तो बाकी डॉक्टर बुशरा इसमें और ऐड कर दें कुछ चीज़ें। मैं डॉक्टर बुशरा, ये चूंकि पूरा हमारे थैंक यू डॉक्टर इरफान, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है, इंसान को ये कितना पता चलता है कि अब वो रिकवर कर चुका है? कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जो वक्त के हिसाब से होते हैं, सो अगर आप हमारे नाज़रीन को अच्छा देखिए, जब कोविड पेंडेमिक नया नया आया था तो उस वक्त की गाइडलाइंस मुख्तलिफ थी। उस वक्त जाता था कि जब तक पीसीआर टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा उस वक्त तक मरीज को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और काफ़ी कुछ बीमारी के बारे में पता भी चल चुका है। सो अब जो गाइडलाइंस हैं वो ये है कि माइल्ड अगर इन्फेक्शन है तो अलामात शुरू होने के 10 दिन के बाद आइसोलेशन को ख़त्म कर दिया जाता है, और उसके अंदर की ये है कि कोई टेस्ट नहीं किया जाता कोविड का कि वायरस के कोई भी आरएनए वगैरह डिटेक्टेबल है या नहीं है, और ना ही एंटीबॉडीज़ का बना हुआ होना लाजमी है। सो और जो मैसेज जनरल पब्लिक के लिए है और जो सवाल अक्सर पेशेंट्स करते हैं वो ये कि ड्यूरिंग कॉन्वलेसेंस या ठीक होने के दौरान बार बार मरीज़ ये पूछते हैं कि हमारा कोविड का टेस्ट करा लें या एंटीबॉडी का टेस्ट करा लें। सो इसमें ये है कि जो पैगाम देना है सब लोगों को वो ये कि कोविड का ना पीसीआर ना एंटीबॉडी टेस्ट, इनमें से कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती, ये डॉक्यूमेंट करने के लिए, ये जानने के लिए कि अब रिकवरी शुरू हो गई है। रिकवरी की अलामत जो है क्लिनिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं ये फैसला करने के लिए कि दवा कौन सी किस वक्त तक इस्तेमाल करनी है। इनफैक्ट इसमें इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि लोग खुद से एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं और भी परेशान होते रहते हैं कि हमारी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी या हमारी फ़लाँ एंटीबॉडी बन गई है और फ़लाँ नहीं बनी। सो एंटीबॉडी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन भी क्वालिफाइड फिजिशियंस का काम है, ये इंटरप्रिटेशन भी सब लोग नहीं कर सकते। सो बगैर टेस्ट के क्लिनिकल ग्राउंड्स के ऊपर मरीज की अलामत पे और जो टेस्ट के नतीजे आ रहे होते हैं जो हम फिजिशियंस कराते हैं टू मॉनिटर कंडीशन, उनकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया जाता है कि मरीज जो है अब फिट हो गया है घर जाने के लिए या फिट है आइसोलेशन डिसकंटिन्यू करने के लिए। डॉक्टर बुशरा, इसी वक्त एक क्वेश्चन साथ में मैं कंटिन्यू करूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग इम्यूनिटी के ऊपर बात करते हैं, पोस्ट कोविड इम्यूनिटी, ये कोई चीज है? डज इट इवन एग्जिस्ट? इज इट अ मिथ? इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा हमें इजी वर्ड्स बता सकते। देखिए, कोविड जो है ये दूसरे वायरल इन्फेक्शन की तरह एक इन्फेक्शन है, और इसमें बेसिक प्रिंसिपल यही होता है किसी भी इन्फेक्शन का कि उसके खिलाफ इम्यूनिटी डिवेलप होती है। अब इम्यूनिटी की कई इकसाम है कि सिर्फ एंटीबॉडीज ही प्रोटेक्टिव होंगी या कि और किस्म की इम्यूनिटी जिस्म में डिवेलप होगी तो वो प्रोटेक्टिव होगी। सो इम्यूनिटी तो डिवेलप डेफिनेटली होती है। इसमें जिस चीज़ के बारे में अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो ये कि क्या एंटीबॉडीज जो है कम्प्लीटली प्रोटेक्टिव है या नहीं है।
सो एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में एक चीज जो कही जा सकती है वो ये है कि ये बताती हैं कि इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट शायद मुकम्मल तौर पे ये नहीं बता सकते कि ये शख्स जो है मुकम्मल इम्यून हो गया है अब या नहीं। अभी हमारे पॉपुलेशन में इतनी स्टडीज भी नहीं हो पाई लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के ऊपर रहती है नहीं रहती, हाउ लॉन्ग द एंटीबॉडी सस्टेन। डॉक्टर फान, यहाँ पे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कोविड के सेवेरिटी स्केल्स होते हैं, आप तो चूंकि आईसीयू भी देख रहे होते हैं आगा खान के अंदर, सो आपके पास उस किस्म के भी पेशेंट्स होंगे जो वेंटिलेटर से उतरे हैं पोस्ट कोविड रिकवरी। सो मैं सिर्फ उन पॉपुलेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ जो इंट्यूबेट हुए हैं या जो वेंटिलेटर पे गए हैं, उनकी लॉन्ग टर्म रिकवरी कोविड के बाद जब लंग की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है किस तरह की होती है, डू दे इवन कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, उनका लंग फंक्शन क्या वापस प्री कोविड पे वापस आ जाता है, अगर आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर सकें। देखें, इसमें जो है बहुत ही वेरिएबल रिस्पॉन्स है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे जो वेंटिलेटर पे गए और सीवियर कोविड नमूनिया था उससे कवर हुए और उनकी रिकवरी बहुत फास्ट रही और उस बाद जो है काफ़ी ने डेफिनेटली उसमें टाइम लगा 4 वीक्स 6 वीक्स तक भी, लेकिन वो ऑक्सीजन से भी ऑफ हो गया और नियर नॉर्मल लाइफ के ऊपर आ गए। बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं दुनिया में, हमारे यहाँ भी चल रही हैं, जिनमें लंग फंक्शंस देखा जा रहा है कि पोस्ट कोविड के बाद कितनी डैमेजेस हुए। कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको बायलेटरल ड्यूरिंग इंटूबेशन जो है ना नीमोमीडियास्टिनम या आप आम जबान में कहें कि लंग का फट जाना, उसमें से हवा लीक कर जाती है और नीमोथोरेसिस हुए और फिर उसके बाद जो है उनको बहुत अरसे तक वो चेस्ट ट्यूब डली रहती है, चेस्ट ड्रेन जिसमें से हवा निकलती रहती है, वो 4, 4, 6, 6 वीक्स इवन मैंने 8 वीक्स भी देखे पेशेंट्स को, वो एयर लीक परसिस्ट किए हैं और उसके बाद वो उससे भी रिकवर हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद नॉर्मल उनका चलना फिरना। डेफिनेटली टाइम तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ लेकिन जो है ना टाइम लगा, लेकिन ये उससे रिकवर कर गए और जो है बेहतर हो गए। कुछ लोगों के अंदर लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है बहुत मॉडरेट केसेस के अंदर भी और सीवियर केसेस में भी, ये अभी इंडिविजुअल लोगों के ऊपर स्टडीज हो रही है कौन से लोग होंगे जिनको फाइब्रोसिस होती है, उनमें ये कि थोड़ी सी उनके लंग फंक्शन मुतासिर होते हैं, उनको थोड़ा से लॉन्ग टर्म जो है ना सांस की शिकायत रह रही है, तो कम्प्लीटली नॉर्मल लंग फंक्शन नहीं हो रहे, लेकिन वो भी इतने हैं कि दवाओं की वजह से इस तरह से हो जाते हैं कि कम ऑक्सीजन पे या बगैर ऑक्सीजन के विद लिटिल बिट लिमिटेशन जो है उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ वो रिकवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान वेंटिलेटर पर गया है उसको सीवियर डिजीज़ हुई वो क्रिपल्ड हो जाएगा, बेड पर आ जाएगा या मुस्तकिल ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिकवरी है, बेहतर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% केसेस में ऐसा है। यकीनन कुछ लोगों को पोस्ट कोविड सीवियर नमूनिया के बाद फाइब्रोसिस भी हो रही है और अभी डेफिनेटली वक्त हमें बताएगा कि इनके लॉन्ग टर्म जो है ना प्रोग्नोसिस कैसे थे, क्योंकि अभी हम ओनली 3 मंथ पोस्ट कोविड फेस के स्टडीज कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म 6 मंथ पे 1 ईयर के ऊपर ये मरीज मुकम्मल रिकवर कर गए या इनमें परमानेंट क्या डैमेज बाकी रहा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन समरी ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी की बात हो कि अगर आपको सीवियर डिजीज हुई आप वेंटिलेटर पर गए तो आप क्रिपल्ड हो जाएंगे या हमेशा के लिए ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग उसके बाद भी मुकम्मल ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या थोड़ी बहुत लिमिटेशन लंग फंक्शन की यकीनन अगर बहुत सीवियर डैमेज हो तो जैसे इंसान जल जाता है सही होने के बाद कुछ ना कुछ स्कार रह जाते हैं, तो ऐसी लंग जो है वो एक स्पंज की तरह से बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्कारिंग फाइब्रोसिस हो जाती है, इसकी वजह से लंग फंक्शनिंग कम हो जाती है, लेकिन लंग का रिजर्व अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा है तो उसके बाद भी उनकी फंक्शनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो जाती है। तो अच्छी होप्स के साथ मैं फिर यही कहूँगा कि एक्सरसाइजेस, गुड डाइट एंड ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, अपने डॉक्टर के मशवरे से जो लोग चलते रहते हैं उनके अंदर रिकवरी जल्दी है, बनिस्बत इसके कि हर एक का मशवरा मान के और जो है ना मुख्तलिफ किस्म के टोटके इस्तेमाल करना, गलत किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करना या ऐसी ड्रग्स पर जाना जो बहुत प्रूवन नहीं है बाज़ औक़ात लॉन्ग टर्म नुकसान देती हैं उससे अवॉइड करें और हेल्दी लाइफ स्टाइल को जो है ना अडॉप्ट करें। डॉक्टर फान, मैं अभी आपके पास वापस आऊँगी लंग की एक्सरसाइजेस पे, बट अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर हामिद मर्चेंट से है। डॉक्टर हामिद, जो लोग रिकवर होके घर जाते हैं ऑब्वियसली दे हैव हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो, हु देन माइट, उनको भी ये वरी होती है कि क्या अब हमारे साथ हो सकता है नहीं, इवन तो डॉक्टर मिश्रा ने एक्सप्लेन किया कि जब वो वापस जाते हैं
तो उनकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो चुकी होती है, तभी उनको रिलीज किया जाता है। बट अब हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स के लिए डॉक्टर हामिद हमें कुछ बता सकते हैं, व्हाट आर द ऑल्टरनेट काइंड ऑफ थेरेपीज दैट दे कैन यूज एज प्रोफाइलैक्सिस, जो आपकी टीम खासतौर पर इस पर रिसर्च कर रही थी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बजिया। इसमें सबसे पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि जैसे गाइडलाइन बहुत तेज़ी से चेंज होती जा रही हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट रीजन्स में हॉस्पिटल्स की प्रैक्टिसेस में भी थोड़ा बहुत फ़र्क मौजूद है। तो ये देखना ज़रूरी है कि कुछ रीजन्स में अभी भी कोविड नेगेटिव टेस्ट के बाद पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया जा रहा है, और कुछ जगहों के ऊपर जैसे डॉक्टर बुशरा ने कहा कि अगर इन्फेक्शन बहुत माइल्ड सिचुएशन में है तो उसकी क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं, उनको दोबारा से घर में दोबारा डिस्चार्ज किया जा रहा है। कुछ कंट्रीज के अंदर वर्क रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जब तक आप उस फेज से बाहर नहीं आते, आपको दोबारा से अपने प्रोफेशन में या ट्रेवलिंग के लिए परमिशन नहीं होती, जिसकी वजह से लोग मोटिवेट होते हैं कि दोबारा से पीसीआर नेगेटिव आ जाए या अगर टेस्ट सर्टिफिकेट हमें मिल जाए तो वी कैन ट्रेवल बैक समवेयर। एयरलाइंस भी कुछ डिमांड्स कर रही हैं नेगेटिव कोविड सर्टिफिकेट्स बिफोर ट्रेवलिंग। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है और उसमें पूरी दुनिया किसी एक नुक्ते पर मौजूद नहीं है, तो इंस्ट्रक्शंस वेरी करती हैं। अगर कि किसी शख्स का कोविड नेगेटिव अभी तक नहीं आया है तो इट्स हाईली लाइकली कि उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें वायरस अभी मौजूद है और वो ट्रांसमिट कर सकता है। मे बी दैट पर्सन इज एसिम्प्टोमेटिक, उसमें अलामत बीमारी की अगर ख़त्म भी हो गई हैं तो इन दैट केस एज वेल द पर्सन कैन ट्रांसमिट वायरस टू देयर फैमिली मेम्बर्स एंड द पीपल अराउंड हिम। तो एहतियात करना ज़रूरी है। घर में अगेन जो प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कुर्बत में ना आए, और जो टॉवल्स और दूसरी चीज़ें हैं उनको सेपरेट रखें, और जो है फिजिकल कॉन्टेक्ट को अवॉइड करें, और कोशिश करें कि आप जो है रेगुलरली स्टीम का इस्तेमाल करें, और स्टीम के ज़रिए जो है उसके अंदर आप चाहें तो यूकलिप्टस और जो मेंथॉल है उसको उसमें ऐड करके एक दो कतरे उसमें डाल के उससे स्टीम करें। अगर आपके पास ये दस्तयाब नहीं, अगर आपको इनको हासिल करना मुश्किल है, तो कोई भी बाम की जो है आप मार्केट से बॉटल ले लें, कोई विक्स पेपर अप टाइप किसी भी बाम को ले लें और उसका थोड़ा सा उसमें डालें और उनके वेपर से जो है स्टीम इनहेल करें। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे आपकी सांस लेने में भी आपको आसानी हो सकती है। अगर आपको सीवियर कफ है और आप कफ से भी जो है परेशान हैं कोविड की रिकवरी के बाद, कफ आपको परसिस्टेंट रह रही है, तो अपने डॉक्टर से रजू करें। और अगर माइल्ड कफ है और डॉक्टर ने आपको कहा है कि यह ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगी, दवाई का इस्तेमाल करने की हिदायत की है, तो स्टीम आपको जो है उस कफ से भी जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगी। स्टीम के अंदर जो एबिलिटी है, पास्ट में हमने देखा है कि म्यूकस को मोबिलाइज करने की कोशिश करती है, तो सीवियर इन्फेक्शन से निकलने के बाद लंग्स बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करता है और उसकी उसको निकलने में, उसको क्लियर होने में वक्त लगता है, और ये जो ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है पेशेंट कितना सीवियर इन्फेक्शन से होकर गुजरा है। जो कोविड एसोसिएटेड निमोनिया था वो आया कि हुआ था, पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ था, इंटेंसिव केयर में गया था, क्या वो रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर था और कितनी सीवियरिटी से बाहर आया है। तो लंग की जो ओवरऑल हेल्थ है, उसकी जो रिकवरी है, वो पेशेंट के इन्फेक्शन की सीवियरिटी से वेरी करेगी, और जो म्यूकस की रिमूवल है वो आहिस्ते आहिस्ते सिम्टम्स को इम्प्रूव करते करते बेहतर बनाएंगी। तो ये हम तदाबीर हम कर सकते हैं। और निमोनिया के हवाले से अगर आप जनरली देखें तो इवन जो निमोनिया के नॉर्मल केसेस हमारे पास माजी में आते रहे हैं कोविड के अलावा भी, तो उसमें भी जो रिकवरी पीरियड है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि निमोनिया कितना सीवियर था। तो कुछ लोग एक महीने में रिकवर हो जाते हैं, कुछ लोग 6 महीने तक भी जो है उनकी ब्रीथिंग नॉर्मल पर नहीं आती। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि कोविड में कोई खास किस्म की बात हो गई है, इसमें भी अप टू 6 मंथ्स लग सकते हैं। और जैसे डॉक्टर इरफान ने आपको अभी तफसील से एक्सप्लेन किया कि जो रिहेबिलिटेशन है लंग्स के लिए वो बहुत जरूरी है, और अगर आप महसूस करते हैं कि आप आउट ऑफ ब्रेथ होते जा रहे हैं, आप में एनर्जी कम है, आप में फटीग हो रही है, तो ये नॉर्मल बातें हैं। दुनिया भर में तमाम कोविड के पेशेंट रिकवरी फेज में इन चीजों से गुजरते हैं, लेकिन अपने आप को थकाएं नहीं। अगर सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल हो रही है तो वक्फे से चढ़ें। सांस लेने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आप अपने डॉक्टर और फिजियोथेरापिस्ट से मालूम कर सकते हैं, वो आपको उसके बारे में मजीद डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह सांस लेनी है। उसमें कुछ तरीके हैं कि नाक से सांस लेना और फिर मुंह से उसको खारिज करना आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह
हम जो है और दूसरी एक्सरसाइजें हैं जिसमें किसी खास करवट पे या पोजीशन पे लेट कर सोना और कुर्सी पर बैठकर खड़ा होना और फिर दोबारा बैठना, इस तरह की एक्सरसाइजेस हैं। तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें, अगर आपको डिफिकल्टी है रابطہ करें, एडवाइस हासिल करें, प्रोफेशनल एडवाइस लें और परेशान ना हो, जैसे डॉक्टर इरफान ने आपसे कहा, क्योंकि ये चीजें आहिस्ते आहिस्ते ठीक होंगी। लंग्स इस मुश्किल मरहले से गुजरे हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड रहे हैं, सूजे रहे हैं, उनमें पानी भी भरा है, कुछ लोगों के अंदर ब्लीडिंग भी हुई है जिससे फिर बाद में फिब्रोसिस और लंग डैमेज भी हुआ है। तो लंग आहिस्ते आहिस्ते रिकवर होकर अपनी नॉर्मल उसके ऊपर आएंगे। तो थकावट वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, लंग्स का भी इसमें ताल्लुक है क्योंकि खून में ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर लंग्स ठीक काम नहीं कर रहे तो उससे आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस और डिमांड पूरी नहीं होती। तो अपने आप को थकाएं नहीं, पुश नहीं करें, जैसे डॉक्टर इरफान ने कहा क्राउडेड प्लेसेस पे जाने के बजाय कोशिश करें ताजा हवा में, खुली फजा में दिन में एक दफा जरूर जाएं, लेकिन क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने की ज्यादा कोशिश करें, बंद बंद घर में ना रहें, दिन में घर में अंधेरा ना करें, रोशनी में रहें। नाइट एंड डे की जो लाइट फेजिंग है ये आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस से रिकवर होने में भी मदद करेगी। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर हामिद। डॉक्टर बुशरा आपके पास मैं आ रही हूँ अब दो क्वेश्चंस लेके जो बहुत ज्यादा बार बार पूछे जा रहे हैं पब्लिक में। एक ये है कि लाइक एनी अदर वायरल सिंड्रोम कफ रह जाती है, कोविड में भी आर वी सीइंग अ कफ दैट्स परसिस्टिंग आफ्टर कोविड हैज फिनिश्ड, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा एक पोस्ट वायरल सिंड्रोम टाइप चीज कुछ बच्चों में देखी जा रही है विच हैज फीचर्स ऑफ कावासाकी लाइक डिजीज, is it true for the Pakistani population also? और अगर myth है तो please आप हमें ये भी बता दीजिए। डॉक्टर बुशरा आप हैं हमारे साथ? डॉक्टर बुशरा can you hear us? डॉक्टर इरफान मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी डॉक्टर बुशरा कैन यू हियर मी? जी सो आई विल रिपीट माय क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन मेरा ये था कि एज विद अदर वायरल इलनेसेस कई दफा एक रिमेनिंग खांसी कॉफ रह जाती है जो ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए रहती है, तो क्या कोविड में भी ये देखा जा रहा है? और एक साथ ही सवाल है इसी तरह बच्चों के अंदर जी, और साथ ही इसमें एक क्वेश्चन है बच्चों के साथ कि बच्चों में क्या एक पोस्ट वायरल सिंड्रोम रहता है या कुछ देर के बाद जैसा हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं वो खत्म हो जाता है फिर एक एज के बाद शिंगल्स आता है, तो बच्चों में एक डिजीज एटलीस्ट इन द इंटरनेशनल पॉपुलेशन देखा गया है कावासाकी लाइक डिजीज, क्या हमारी पॉपुलेशन में भी ऐसा कुछ है और अगर है तो उसके क्या सिम्टम्स है एंड वॉट शुड पेरेंट्स बी लुकिंग आउट फॉर? तो ये दो क्वेश्चन आप देखिए, बच्चों वाला क्वेश्चन पहले टैकल कर रहे थे बट आई एम नॉट अ पीडियाट्रिशियन, सो बच्चों के अंदर जितने भी इन्फेक्शन देखे गए हैं वो माइल्ड हैं। जब इन्फेक्शन ही माइल्ड है तो पोस्ट वायरल सिंड्रोम के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और पोस्ट वायरल सिंड्रोम टिपिकली एडल्ट्स में देखा जा रहा है और बड़ी प्रोलॉन्ग सिम्टम्स चलते हैं। इसमें कॉफ आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है वो एग्जॉशन है, टायर्डनेस, बॉडी एक्स, लैक ऑफ एनर्जी, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एडल्ट पेशेंट्स ने रिपोर्ट की हैं। सो उनको फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना होता है। कंप्लीट डीकंडीशनिंग हो जाती है क्योंकि स्पेशली अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुई हो तो रिकवरी और प्रोलॉन्ग हो जाती है। जो लोग घर में होते हैं उनमें भी काफ़ी टाइम लगता है ठीक होने में। बच्चों के अंदर कावासाकी सिंड्रोम जो है एक नोन ही है, दूसरे और वायरसेस से भी हो जाता है, और इसी तरह क्योंकि पेंडेमिक हुआ है और नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं तो कोविड के साथ भी डिस्क्राइब की गई है, बट इट इज़ क्वाइट अनकॉमन। ठीक है, और हमारे पास हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें लियाकत नेशनल और ओझा और SIUT ने अपना पीडियाट्रिक वार्ड्स का एक्सपीरियंस शेयर किया था। बहुत कम एडमिशन्स हुए हैं बच्चों के, और जो हुए भी हैं उनको भी जल्दी डिस्चार्ज कर दिया गया और कोई ICU एडमिशन्स नहीं थे।
आगा खान हॉस्पिटल में जो मोर्टेलिटीज हुई हैं जिन बच्चों की, वो बच्चे थे जिनको के ऑलरेडी कोई बहुत सीरियस इलनेस लाग थी, जैसे ल्यूकीमिया है या कंजेनिटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वैसे भी अगर कोई इन्फेक्शन होता तो डेथ के चांसेस बढ़ जाते, बट कोविड पर से की वजह से बच्चों में इंतहाई कम फीसद में डेथ्स देखी गई है। इसी वक्त क्योंकि हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं एक और क्वेश्चन आप ही के साथ क्लब कर लेती हूँ, री इन्फेक्शन के क्या चांसेस हैं इन अ पर्सन हु हैज नाउ रिकवर्ड? जी अच्छा, इसके अंदर ये डिफरेंशिएट करना कि ओरिजिनल इन्फेक्शन ही चल रहा है या री इन्फेक्शन हुआ है, इसके लिए जीनोटाइपिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो जीनोटाइपिंग की तो फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है, बहुत कम सेंटर्स में है, लेकिन जिन सेंटर्स में है उन्होंने ये स्ट्रेन सेव नहीं किए, सो इक्का दुक्का जो केसेस आए हैं जिन्होंने जिनमें पॉसिबल री इन्फेक्शन था उनमें प्रूव करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसके लिए आपको प्रीवियस स्ट्रेन भी चाहिए होगा और करंट स्ट्रेन भी चाहिए होगा, फिर उसको मैच करके देखेंगे कि ये मुख्तलिफ है या एक ही स्ट्रेन है। जो ट्रू री इन्फेक्शन दुनिया में डॉक्यूमेंट हुए हैं वो उन लोगों में हुए हैं जिन्होंने अपने मुल्क में इन्फेक्शन अक्वायर किया, उससे रिकवर हुए, फिर वो चले गए यूएस या यूके एंड दे एनकाउंटर्ड अनदर स्ट्रेन ऑफ अनदर कंट्री, वहां पे ट्रू डॉक्यूमेंटेशन हुई है री इन्फेक्शन की। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर फार, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि लंग एक्सरसाइजेस, स्पेशली आफ्टर अ पर्सन हैज कम ऑफ द वेंटिलेटर या उनका लंग फाइब्रोसिस है तो दैट्स गोना टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम बैक टू नॉर्मल, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो लोग विदाउट फिजियोथेरेपी किए, अगर कोई नहीं जा सकता फिजियोथेरेपिस्ट के पास, यू बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट आप हमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या लंग एक्सरसाइजेस बता सकते हैं? म्यूटेड है आप डॉक्टर फान, आप म्यूट हैं, सॉरी। जी वजी, जैसे अभी डॉक्टर हामिद ने भी कुछ अपनी जो है ना बातों के दरमियान कुछ लंग एक्सरसाइजेस के मुतालिक बताया कि जी सिंपल पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम बात करेंगे कि एक मरीज़ जो माइल्ड डिजीज़ के साथ था और एक मरीज़ जो बहुत सीवियर या वेरी क्रिटिकल इलनेस के साथ था, दोनों की एक्सरसाइजेस और दोनों की रिहैबिलिटेशन और दोनों की जो रिकवरी है वो मुख्तलिफ होगी। माइल्ड डिजीज़ वाले के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक लंग एक्सरसाइज नहीं है, सिंपल रिकवर हो गया अपना नॉर्मल खाना पीना, वॉक और जिस तरह की उसकी प्रीवियस अगर वो एक्सरसाइजेस करता था, ट्रेडमिल्स हैं या कम से कम स्टार्ट विद अ नॉर्मल वॉक इन खुली फ़जा के अंदर उससे अपनी करियर, उसको कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको माइल्ड डिजीज़ थी, लंग में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और एक मरीज है जो बहुत सीवियर डिजीज से रिकवर किया है, जिसको वेंटिलेटर पे भी था, अब उसको जैसे डॉक्टर हामिद ने कहा कि अपने आप को थकाना नहीं है और बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको जो है ना रिकवरी करके नॉर्मल की तरफ आना है और उसके लंग डैमेज हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत ही जो है ना वो अपनी एक्सरसाइजेस को बहुत लो लेवल से शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे डॉक्टर हामिद ने कहा कि भाई एक्सरसाइज स्टीम का इस्तेमाल करने से फ्लेम निकलता है या वो बेहतर महसूस कर सकते हैं, तो स्टीम का इस्तेमाल करें और सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शुरू करें, जो सिंपल उसमें यही है कि लंबी सांस लेना जो है वो नाक से लंबी सांस लें, उसको थोड़ी देर होल्ड करें अपनी ताकत के हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे मरीज इतने सिक होते हैं कि वो थोड़ी चंद सेकंड भी नहीं होल्ड कर पाते और कुछ हैं जो एक मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं, सहूलत के साथ जितना होल्ड कर सकते हैं उसको रोकें और फिर मुँह से देर तक उसको जो है ना वो निकालें, एक्सहेल करें। अगर वो अपनी कमजोरी के हिसाब से 5 से 10 मरतबा हर घंटे 2 घंटे के बाद अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी लंग की कैपेसिटी जो है वो एंड्योरेंस ये सारी चीजें बेहतर होती जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगर मरीज को जैसे निचले हिस्से कोलैप्स या टिलेक्टेसिस कहते हैं हमारी जबान में, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं बहुत सारे मरीजों को, उनसे कहते हैं कि अगेंस्ट रेजिस्टेंस वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, उसके लिए एक बहुत छोटा सा एक डिवाइस आता है जिसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहा जाता है, आम जबान में कहते हैं कि लोग के बॉल वाली एक्सरसाइज, वो एक छोटी सी डिवाइस होती है, इसमें बॉल्स होते हैं, कुछ सिंगल बॉल्स वाले होते हैं, कुछ 3 बॉल्स वाले होते हैं, वो अपने किसी भी करीबी फार्मेसिस्ट से वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर कह के ले सकते हैं,
और उसको लो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से, फॉर एग्जांपल उसमें अगर नंबर्स दिए 200, 400, 600 से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं, और उसमें हर 2 से 3 घंटे के बाद 10 सांसें लंबी लें तो वो बॉल उसमें जो है ना उनके लिफ्ट करेगी, जिससे अगेंस्ट रेजिस्टेंस उनको जो है वो चेस्ट एक्सपेंशन और उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज होगी, जिससे जो लंग के लोअर पार्ट्स होते हैं जो एटिलेक्टेसिस या पिचक गए होते हैं उनकी ओपन होने में और फिर उनकी ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने में, मुस्तकिल लेटे रहते हैं उसकी वजह से भी एटिलेक्टेसिस हो जाती है, तो ये इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तो ये जो सिक मरीज हैं इनको इस तरह से अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, फिर इंसेंटिव स्पायरोमीट्री और इसके साथ साथ मोबिलाइजेशन के लेटे रहें कम से कम, उठ के कुर्सी पे बैठना, फिर लेट जाना, बहुत कमजोरी है तो बिस्तर के गिर्द ही बिस्तर को पकड़ के चक्कर लगा लेना, और रोजाना उसमें इजाफा करते जाना कि भाई अगर शुरू में 5 कदम पे सांस फूल रही थी रोजाना चलेंगे तो थोड़े दिन में 10 कदम और फिर इंशाल्लाह बहुत थोड़े दिनों में 100 गज और उससे ज्यादा चल पाएंगे। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है, सांस मिलने में तकलीफ है तो सीढ़ियाँ चढ़ने से अवॉइड करें या रुक रुक के सीढ़ियाँ चढ़ें। मकसद ये है कि अपने आप को थकाना नहीं है और दूसरी तरफ बिल्कुल आराम पसंद नहीं हो जाना, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बात किया था साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इतना है कि लोग अपने आप को इतना कमजोर समझने लगते हैं कि कुछ करने को तबीयत नहीं करती और बड़े बड़े बिस्तर में 10 तरह के और मसाइल आते जाते हैं जिसमें लंग के एटिलेक्टेसिस है, बेड सोर्स हैं और साइकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा इल हो जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा मुशक्कत में डालना, अपने लेवल ऑफ ईज से बाहर निकलना ये बहुत अहम है। सांस फूल भी रही है तब भी चलने की कोशिश करना, चाहे 5 कदम ही चलें और जो से ज्यादा चल सकता है अपने रोजाना उसमें बढ़ाने की कोशिश करें। थोड़ा सा आपको सांस होगा लेकिन उसको बर्दाश्त करके बढ़ाना इस हद तक कि उसमें आप थके नहीं, लेकिन अपने आप को लेवल ऑफ ईज से निकालना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आप अपनी मुख्तलिफ हैंड ग्रिप्स के लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसमें आप बॉल्स की एक्सरसाइजेज हैं, फुट के लिए थाइज मसल बहुत वीक हो जाते हैं जिसको आप जो है ना अगर सिर्फ अपने फुट को जरा सा ऊपर करके और अपने पंजों को इस तरीके से जो है ना अगर मूव करें ऊपर नीचे 10 दफा और आपका पाँव हवा में मुअल्लक हो, इससे आपके थाइज मसल की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है बगैर किसी फिजियोथेरेपी के। तो ये इनिशियल फेजिस की एक्सरसाइजेज हैं जिससे जो है ना आपको बेहतरी होगी। और अगर आपको डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से हेल्प लें, आपकी बहुत ज़्यादा बलगम है, सिक्रीशन है, क्योंकि जो लोग वेंटिलेटर से उतरे होते हैं उनमें बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसमें फिर फिजियोथेरेपिस्ट से जो है ना मदद लेना जिसमें वो मुख्तलिफ डिवाइसेस के जरिए कॉफिंग टेक्निक्स हैं, कॉफ करना, बलगम निकालना, वो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं सिंपल योगा की, आम यूट्यूब पे चले जाएं, किसी भी साइट पे चले जाएं, जॉन हॉपकिंस की पूरी साइट है जिसमें उन्होंने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन की हुई है यूनिवर्सिटी की, जिसमें एक्सप्लेन करने से असल में उतना समझ नहीं आता जितना विजुअली देखने से वीडियो समझ में आते हैं, जिसमें आप बहुत सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज पोस्ट कोविड लोगों की भी अपलोड हुई हुई है। और सिंपल योगा इज़ वेरी वेरी गुड कि योगा की टेक्निक्स के जरिए अपनी जो है ना सांस की एक्सरसाइजेज करें, इस तरीके से जो है ना आपकी लंग की रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। थैंक यू डॉक्टर इरफान। डॉक्टर हामिद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें रिकवरी थोड़ी लेट होती है, या कोई ऐसी दवाई जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो कोविड के अंदर प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर कोई हाइपरटेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर ले रहा है और उसको इन द लॉन्गर रन कोविड के बाद कोई लंग के इश्यूज हो रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें वो दवाई बदल लेनी चाहिए? और आप हमें कुछ थोड़ी सी ऐसी दवाइयों की एग्जाम्पल्स दीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजीहा, ये बहुत अहम आपने एक सवाल पूछा। और अमूमन लोग दवाइयों के मामले में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में, और अपनी मर्जी से बहुत सी दवाइयों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, दवाइयां बदल लेते हैं, दूसरे फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से मशवरा करते हैं कि कौन सी गोली तुमने खाई थी तो मैं भी वो खा लेता हूँ। तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी दवाइयों में तब्दीली जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर बराए मेहरबानी ना करें। मेडिकेशंस की जो इंटरेक्शंस है कोविड के अंदर उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा जो है काम अभी भी मजीद चल रहा है और एविडेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है जिसमें हम ये हतमी तौर पर बता सकें कि आया इस दवा को बंद कर देना चाहिए।
बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन जरूर है, लेकिन जब हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स को आउटवे करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका कंटिन्यू रखना तब भी बेहतर है, क्योंकि उसको डिसकंटिन्यू करने से जो नुकसान होंगे वो ज्यादा सीवियर है। तो एक तो ये जनरल बात है। जहां तक कॉन्ट्राइंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन की बात है तो उसमें जनरल लंग हेल्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कोविड एक्वायर करने से पहले ही जिनके लंग्स की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बीमारी से गुजरने के बाद उनके लंग्स जो है इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकेंगे। जैसे डॉक्टर इरफान ने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने लंग में काफी कैपेसिटी रखी है, उसमें बहुत गुंजाइश रखी है। तो बाज़ूकात अगर आपके लंग की जो जनरल हेल्थ है वो अच्छी नहीं भी होती तो आपको अपनी जनरल जिंदगी में पता नहीं चलता। आपका लाइफस्टाइल ऐसा होता है या आप अपनी जिंदगी में इस तरह के काम कर रहे होते हैं जिसपे लंग्स पे इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता, तो वो उनका सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा होता है इंटरनल सर्फेस एरिया ऑक्सीजनेशन के लिए, और वो आपकी रिक्वायरमेंट कोप अप कर लेते हैं। लेकिन जब उन पे स्ट्रेस पड़ता है, जब उनकी पूरी कैपेसिटी का इम्तिहान आता है, जैसे मिसाल के तौर पर लंग इन्फेक्शन हो गया, तब उस वक्त पता चलता है कि आपकी लंग हेल्थ का कितना इसमें किरदार है। तो अगर मिसाल के तौर पर आप बहुत ज्यादा तम्बाकू नोशी करते हैं, बेतहाशा आप तम्बाकू नोशी करते हैं, तो आपकी लंग कैपेसिटी वैसे ही बहुत कम होती है और आपकी लंग की जो जनरल हेल्थ है वो खराब हो जाती है। तो उस सूरत में अगर लंग इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो कोविड हो या जब बैक्टीरियल निमोनिया हो, तो जनरली आप स्ट्रगल करेंगे लंग से रिकवर करने में। तो एक मशवरा तो मैं तमाम लोगों को ये दूंगा कि जो स्मोकिंग करते आए हैं और अब कोविड का शिकार हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए मौका है कि कोशिश करें स्मोकिंग को छोड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल आप नहीं छोड़ सकते तो उसको कम से कम करने की कोशिश करें, और स्मोकिंग को तर्क करने के लिए भी हमारे पास जो है फार्माकोलॉजिकल इसमें सपोर्ट मौजूद है। तो अपने डॉक्टर से अपने फार्मासिस्ट से रजू करें, उसमें कुछ च्यूइंग गम की सूरत के अंदर जो है निकोटीन सप्लीमेंट थेरेपीज अवेलेबल है जो आपको सपोर्ट करेंगी उसकी विड्रॉल सिम्टम्स। बाज़ूकात लोग कोशिश करते हैं स्मोकिंग छोड़ने की, लेकिन चूंकि निकोटीन जो उसके अंदर मौजूद होती है तंबाकू नोशी के अंदर, उसकी जहन पे आपके दिमाग पे एक आदत सी पड़ जाती है, वो एक आदत पैदा करने वाली चीजें होती है। तो उसको छोड़ने से एकदम से आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको कमजोरी महसूस होती है, आप काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से बहुत से लोग जो कोशिश भी करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की आदत है सुबह सुबह चाय पीने की और उसको सुबह चाय ना मिले तो उसका दिन अच्छा नहीं गुजरता, वो परेशान हो जाता, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग चीजें होती हैं। तो इसी तरह तम्बाकू नोशी छोड़ने के लिए ये बेहतरीन मौका है, अपने डॉक्टर से अपने फार्मासिस्ट से रजू करें, मदद मांगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप हेल्प लेंगे तो निकोटीन रिप्लेसमेंट की थेरापी हमारे पास मौजूद है, स्मोकिंग आप आहिस्ते आहिस्ते छोड़ सकते हैं, और वो जो निकोटीन रिप्लेसमेंट भी आपको लाइफ टाइम नहीं लेना, वो आज से टेपर ऑफ करके हम छोड़ देते हैं। तो एक तो ये मैं एडवाइस करूंगा। दूसरा, आजकल एक मॉडर्न फैशन चल रहा है कि भाई हम स्मोकिंग नहीं करते, हम वेप करते हैं। तो ये जो ई सिगरेट्स का जो मामला है, ये एक माशरे में एक ट्रेंड की तरह फैलता चला जा रहा है। तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है अगर आप वेप करें या नॉर्मल सिगरेट इस्तेमाल करें। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ई सिगरेट्स को भी इस्तेमाल ना करें। अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, और चूंकि तम्बाकू नोशी बहुत ही कदीम मशगला है तो उस पर हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत मौजूद है। ई सिगरेट जो है वो वेपिंग की टेक्निक अभी बहुत लेटेस्ट हैं, तो उसके अंदर जो है अब हम डेटा आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ आएगा और चंद सालों में आपको पता चलेगा कि कितनी खतरनाक है। जो उसमें लिक्विड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो फ्लूइड्स उसमें यूज होते हैं, वो भी इतने प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है, उनकी भी अपनी टॉक्सिक इफेक्ट्स है लंग्स के ऊपर, और देर पहा ये लंग्स को नुकसान पहुंचाएगी। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आप एक एल्डरली स्टेज में पहुंचेंगे और आपके लंग्स हेल्दी नहीं होंगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसे ही खराब हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा मैं मैसेज लोगों को देना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का सबसे बड़ा दारोमदार लंग की जनरल हेल्थ पर है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के पेशेंट ऐसे हैं जो एस्थमा या सीओपीडी का शिकार है, तो ओब्वियसली उनका उसमें बराह रास्त कोई भी ऐसा किरदार नहीं है कि वो स्मोकिंग जो है ना वो उसमें डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन स्मोकिंग का उसमें भी किरदार है। अगर एस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स स्मोकिंग करते हैं तो उनको वैसे भी डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं कि उसको छोड़ें, लेकिन अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन आपको तब भी एस्थमा है, सीओपीडी है, या एलर्जिक आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज है, तो आपके अंदर और कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लोगों के मुकाबले में ज्यादा रहेगी। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने इनहेलर्स का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। आपको डॉक्टर्स ने अगर दो किस्म के इनहेलर दिए हैं जिसमें एक जो है अटैक आने की सूरत में आप इस्तेमाल करते हैं, एक प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं, तो बहुत से लोग प्रिवेंटिव इनहेलर्स को छोड़ देते हैं, ये सोचे कि अभी कुछ हो नहीं रहा तो दवा लेने की क्या जरूरत है। तो ऐसा ना करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हमेशा इनहेलर का इस्तेमाल बाकायदा करें। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं
इनहेलर्स इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स महसूस होती हैं, या आपको आप पैल्पिटेशन महसूस होती है, या आप ठीक महसूस नहीं करते, तो डॉक्टर से रजू करें, उसके बाद उसमें तब्दीली करें। अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से उसमें तब्दीली करने की कोशिश ना करें। पास्ट में जब मार्च के दौरान जब WHO ने एक एडवाइस जारी की थी स्टेरॉइड के इस्तेमाल के हवाले से, तो उस वक्त एक कन्फ्यूजन था लोगों के दौरान भी और हेल्थ केयर कम्युनिटी के अंदर भी, कि भाई आया ये स्टेरॉइड बेस्ड इनहेलर्स को कंटिन्यू करें नहीं करें, क्या करें। बट एविडेंस हमारे पास, जो लेटेस्ट एविडेंस है वो यही कहता है, जो मेटा एनालिसिस का डेटा है हमारे पास पेशेंट्स का, वो यही कहता है कि इनहेलर्स का इस्तेमाल जारी रखना ज़्यादा बेहतर है बजाय उसको डिसकंटिन्यू करने के। तो बिल्कुल उसको डिसकंटिन्यू ना करें। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, कुछ ऐसी बीमारियों का शिकार हैं, जैसे डॉक्टर बुश्रा थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि ल्यूकीमिया के जो पेशेंट हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन सीवियर बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनकी प्रोग्नोसिस जो है कोविड के अंदर वैसे ही डिफिकल्ट होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, ऐसी नहीं होगी जैसे नॉर्मल हेल्दी लोगों की है। कुछ कैंसर के पेशेंट्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स के ऊपर हैं, ऐसी मेडिसिन पर हैं जो जानबूझकर इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। जब आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी ड्रग इंड्यूस सप्रेशन में चला जाता है, तो आपके अंदर जो कुदरती सलाहियत है, जो मुदाफती कुव्वत है इन्फेक्शन से लड़ने की, वो कम हो जाती है। इसी तरह जो HIV के एड्स के पेशेंट हैं, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उनके लिए रिकवरी इतनी आसान नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर हामिद। डॉक्टर मिश्रा, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं, और अगर चल रही है तो सुपर इम्पोर्टेंट, और अगर होती है तो कौन से यूजुअली उसके सिम्टम्स हैं? एक तो है कि आम पोस्ट वायरल कॉफ हो रही है, और एक और है कि उसके ऊपर कोई बैक्टीरियल सुपर इम्पोज हो गया, बढ़ा देता है कि बैक्टीरिया या फंगस से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए। सो खास तौर पे जो मरीज अस्पताल में दाखिल होते हैं कि मर्ज सिवियर है इनफ फॉर हॉस्पिटलाइजेशन या ICU स्टे, इनमें दूसरे इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। सो क्योंकि मरीज हॉस्पिटल में होते हैं तो उनके टेस्ट वगैरह करके, तशखीस करके उनका इलाज हो जाता है। जो लोग घरों पे हैं, जनरली अगर माइल्ड डिजीज़ होता है तो उनमें हमने सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं देखे, लेकिन कोविड की जो खांसी होती है वो टिपिकली ड्राई कॉफ होती है, इरीटेटिंग सी होती है, और बुखार जो इसमें इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी चलता रहता है वो 99-100 डिग्रीज तक चलता रहता है, इवेंचुअली 99 पे आके वो स्टैटिक हो जाता है, और बहुत से लोगों को काफ़ी दिन तक 99 तक फीवर चलता रहता है। सुपर इम्पोज इन्फेक्शन की जो अलामत होती हैं वो ये कि बुखार तेज़ हो जाना या खांसी के साथ बलगम आना शुरू हो जाना। जनरली आउट पेशेंट प्रैक्टिस के अंदर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने सुपर इम्पोज इन्फेक्शन रिकवरी फेज में नहीं देखे, ज्यादातर इन्फेक्शन हमने हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में देखे। अगर रिकवरी हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और साथ में वेट कॉफ हो रही है तो दे शुड कम बैक, अदरवाइज डॉक्टर फैन आपके लिए क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा रहा है खासतौर पर उन पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल स्टे के बाद आते हैं, क्या चांसेस ऑफ DVD और पल्मोनरी एम्बोलिज्म आफ्टर डिस्चार्ज भी उतनी ही है जितने ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे है, और अगर है तो कितनी देर तक उसके चांसेस ज्यादा है और ये सिम्टम्स पे? इसका थोड़ा सा मैं तफसीली जवाब ये है कि एक तो पेशेंट है जो हॉस्पिटलाइज था और उसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म या क्लॉटिंग का एविडेंस आ गया, ये मरीज डिस्चार्ज होने के बाद जो है इसके लिए रिकमेंडेशन है कि 3 मंथ्स तक जो है ये ब्लड थिनर इस्तेमाल करेगा या एंटीकोगुलेंट जो इनको मिले हैं वो इस्तेमाल करेगा फॉर 3 मंथ्स के लिए। एक मरीज है जिसको प्रूवन कोई DVT या लंग के अंदर क्लॉटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हुई, लेकिन उसके मार्कर्स बढ़े हुए थे जिसमें डी डाइमर और या हाइपोक्सिक बहुत था और उसको एंटीकोगुलेंट्स ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन मिली है, उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि प्रूवन PE नहीं है तो वो एटलीस्ट 1 मंथ तक, अगर वो हाई रिस्क पेशेंट है मोबिलाइजेशन 1 महीने तक वो एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करे तो ये बेहतर है। अब एक मरीज जो घर पे है, डिस्चार्ज हो चुका है, उसके कोई मार्कर्स बढ़े हुए नहीं थे शुरू में,
और उसको एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कोई ब्लड थिनर्स नहीं मिली हैं, एंटीकोआगुलेंट्स की बात कर रहे हैं, एस्कार्ड वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर वो पहले से एस्कार्ड या इस तरह की दवाइयाँ क्लोपिडोग्रिल वगैरह यूज़ करता था और दिल का मरीज है तब तो वो उनको बाकायदगी से यूज़ करता रहेगा। लेकिन एक मरीज़ है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, उसके मार्कर्स डी डाइमर्स वगैरह नॉर्मल थे और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन सवाए उसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक एंटीकोआगुलेंट्स के लाइक जैसे मिलती है हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादातर बेड बाउंड मरीजों को इनॉक्सापेरिन 40 मिलीग्राम प्रोफाइलेक्टिक डोज मिलती है, अगर वो उसके अलावा उसको कोई थेरेप्यूटिक लेवल के ऊपर एंटीकोआगुलेट नहीं किया गया और उसके बगैर घर में डिस्चार्ज हुआ है, घर जाके उसको एंटीकोआगुलेंट्स की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। बट इसकी बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन के हवाले से बात करूंगा कि घर जाने के बाद उसकी मोबिलिटी जो है ना उसके रिस्क को कम करती जाएगी। अर्ली मोबिलाइजेशन इज़ द की, कि रोज़ाना बिस्तर से उठना, कुर्सी पे बैठना, अपने फुट्स की एक्सरसाइजेस करना, बेड बाउंड ना रहना। तो जो लोग बेड बाउंड नहीं है, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नॉर्मल हालत में है, तो कोविड से रिकवर के बाद घर जाने के बाद उनको एंटीकोआगुलेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसका दूसरा एंड भी है कि ब्लीडिंग रिस्क भी बढ़ जाता है। हाँ, अगर वो एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल वगैरह पहले से यूज़ कर रहे थे तो अपनी वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहे। सो इन समरी यही कि घर जाने के बाद अच्छी मोबिलिटी को जल्द से जल्द जो है ना वो अपनी हैबिट बनाए, मोबिलाइज रहें, चाहे आप जितने भी सीखो, लेकिन सहारे के साथ उठ के बिस्तर पर बैठना, पाँव को लटकाना, उसकी पाँव को एक्सरसाइजेस करना, जैसे मैंने फुट का बताया, फ्लेक्शन और जो है ना एक्सटेंशन उससे करना, ये सारी चीज़ें डीवीटी प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेज होती हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा घर डिस्चार्ज होके गया है जो बिल्कुल बेड बाउंड है, मूव नहीं कर रहा, बिस्तर के ऊपर है या बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी है, उसके लिए हमारी रिकमेंडेशन होगी कि वो प्रोफाइलेक्टिक डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस घर पे भी इस्तेमाल करे, ताकि उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क हो सके। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट मोबिलिटी। बेड बाउंड है, घर पे बिस्तर पे है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोआगुलेंट्स ही शुड यूज अगर कोई ब्लीडिंग रिस्क नहीं है उसमें। एस्प्रिन क्लोपिडोग्रिल यूज करता था, रेपिन में यूज करता है। घर डिस्चार्ज हुआ है, मोबिलिटी अच्छी है, किसी एंटीकोआगुलेंट की जरूरत नहीं। थैंक यू डॉक्टर फान, इसको आंसर करने का। डॉक्टर हामिद, ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, ऐसी कुछ स्टडीज हुई हैं व्हिच आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एन इफेक्ट ऑन अर्ली पोस्ट कोविड रिकवरी, किसी विटामिन का कोई रोल है इसमें? थैंक यू डॉक्टर बजिया। पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर इरफान एंटीकोगुलेंट्स के बारे में लोगों को बता रहे थे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कोगुलेशन मेडिकेशन को यूज़ करने से पहले बड़ा मेहरबानी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। बाज़ औक़ात आप मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसी बातें सुनेंगे जहाँ लोग आपको मुख्तलिफ दवाइयों का मशवरा दे रहे होंगे, लेकिन बराए करम इनमें आप खुद से फैसला ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर से रजू करें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि आपको मजीद कॉम्प्लिकेशंस में ले जा सकती हैं और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में इमरजेंसी में रश करना आपके लिए वो ज़्यादा तकलीफदेह साबित होगा। और जैसे डॉक्टर इरफान ने आपसे कहा कि अगर आप लो डोज एस्पिरिन इस्तेमाल कर रहे थे या क्लोपिडोग्रिल इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद वो डिसकंटिन्यू कर दी गई थी या हॉस्पिटल वाले कुछ और दवाइयों के ऊपर आपको ले गए थे और अब आप दोबारा डिस्चार्ज हो गए हैं, वो मामला डिस्कस नहीं हुआ या किसी वजह से रह गया है, तो अपनी एस्पिरिन और लो डोज एस्पिरिन के ऊपर दोबारा जरूर आए। अगर आपको कुछ उसमें जो है रिजर्वेशंस हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, डिस्कस कर लें। अगर आप एस्पिरिन इस्तेमाल नहीं करते थे और ओवर 50 हैं और आप कोविड से भी रिकवर होकर आए हैं तो मुमकिन है कि आपके लिए बेहतर है कि लो डोज एस्पिरिन के ऊपर आप जाएं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और कोशिश करें कि उसके ऊपर आप जाएं। और लो डोज एस्पिरिन के अंदर कोशिश करें डिस्पर्सिबल एस्पिरिन इस्तेमाल करें, जो पानी में हल करके पीने वाली हो एस्पिरिन होती है, लेकिन जो फुल डोज एस्पिरिन है वो इस्तेमाल ना करें। उसमें छोटी साइज की गोली आती है 75 मिलीग्राम की, जो पानी में घोल कर इस्तेमाल करनी होती है, उसका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि निगलने वाली गोली का इस्तेमाल कम से कम करें। सप्लीमेंट्स के हवाले से हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एविडेंस कोविड के हवाले से नहीं मौजूद, लेकिन जो जनरल एविडेंस मौजूद है इन्फेक्शंस के हवाले से उसमें, और स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस और इन तरह के हवाले से, उसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि आप हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। आप जो है कोशिश करें
के हजम होने वाली गजा इस्तेमाल करें, जैसे प्रोग्राम के शुरू में डॉक्टर इरफान आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप फलों का इस्तेमाल करें, उनका फ्रेश जूस निकाल के पिए, अगर आप चबाने में आपको प्रॉब्लम है, निगलने में प्रॉब्लम है तो लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करें, लेकिन मिल्क शेक्स लें, और अगर आप मिल्क टॉलरेट कर सकते हैं तो डेयरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। कोशिश करें अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह गला के स्लो कुकर के ऊपर अच्छी तरह पका कर उसको इस्तेमाल करें। जितनी अच्छी आप डाइट लेंगे उतनी आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन आएगी ताकि आप रिकवर कर सकें। ये बात याद रखें कि वायरल इन्फेक्शन से जब बॉडी फाइट करती है तो बॉडी के बहुत से रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं, खर्च होते हैं, और उसके बाद उसको दोबारा से रीस्टोर करना बहुत जरूरी है, वरना बॉडी फटीग में चली जाती है। इस मुश्किल मरहले से निकलने के लिए आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मुतवाजन गजा का इस्तेमाल, खासतौर पर लिक्विड, नमकियात और फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। ऐसी गिजाएं जिनसे पेट में गैस पैदा होती है उसको आप इज्तनाब करें, उनको आप ना खाएं। इसके अलावा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने में कोई हर्ज नहीं है, खासतौर पे विटामिन डी और जो है साथ में विटामिन सी, इसका इस्तेमाल करना बेहतर है, यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिंक आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। तो आमतौर पे जो मल्टी विटामिन की दवाइयाँ मिलती हैं उनमें तमाम विटामिन मुनासिब मकदार में शामिल होते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अपने फार्मासिस्ट से रजू करें, वो आपको एडवाइस करेगा कि कौन सी मल्टी विटामिन आसानी से आपके इलाके में दस्तियाब है, आप वो ले लें। कोई स्पेसिफिक ब्रांड सजेस्ट करने की यहाँ पर नीड नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे कि कौन सी मल्टी विटामिन आपके लिए मुनासिब है। लेकिन अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा हाई डोज विटामिन डी या विटामिन सी या जिंक का इस्तेमाल ना करें। जो मल्टी विटामिन कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हैं वो मुनासिब मकदार में डेली रिकमेंडेड डोज के हिसाब से डिजाइन की गई हैं, उनको इस्तेमाल करें। और अपनी गजा का खास तौर पर ख्याल रखें, ये एक बहुत अहम रोल अदा करेगा आपकी पोस्ट रिकवरी फेज के अंदर। So there's been a lot of hype about convalescent plasma with positives भी आ रहे हैं, negative भी आ रहे हैं, FDA approvals भी उसपे भी आ रहे हैं। तो अगर एक तो ये कि आप हमें थोड़ा सा बताइए कि पाकिस्तान की population में, I know 80 enrolled है in a convalescent plasma trial also, तो पाकिस्तान में ये फायदा हो रहे हैं convalescent plasma रहे हैं तो कब तक बंदा बुध बंदा अपना ब्लड दे। देखिए कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा को अभी रिसेंटली एफडीए ने भी अप्रूव किया है एज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड। डॉक्टर बशा आपको मेरा क्वेश्चन आया? जी जी जी, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की बात कर रहे हैं ना, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा इज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन। सो आगा खान हॉस्पिटल में भी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ था और एक दो और सेंटर्स में हुआ है पाकिस्तान में, एक सेंटर में तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स रिक्रूट किए हैं और तीनों सेंटर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा का। पहली स्टेप पे ये देखा गया है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं है, तो हमारे पास जो लिमिटेड पेशेंट्स का हुआ था साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे। और उसकी मेन इंडिकेशन जो हमने जिन मरीजों में इस्तेमाल किया ये वो मरीज़ थे जिनमें दूसरी दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट की वजह से या ऑलरेडी अगर कोई बीमारी थी मरीजों को उस वजह से वो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जो जनरली कोविड की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। डोनेशन के लिए ये है कि जनरली 4 हफ्ते के बाद ये एंटिसिपेट किया जाता है कि मरीज में एंटीबॉडीज इतनी बन गई होंगी जो कि वो फिर निकाली जा सकें और किसी को दी जा सके। करंट स्टेटस पाकिस्तान में ये है कि इस वक्त ट्रीटमेंट ये वाली डिसकंटिन्यू हुई हुई है और बैंक भी नहीं कोई मेंटेन किए जा रहे प्लाज्मा के लिए। उसमें दूसरा पहलू उसका ये है कि मरीज़ भी इतने नहीं आ रहे हैं, तो अगर अगर बैंक रखेंगे भी इसका तो हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की तादाद इतनी कम हो चुकी है कि बहुत कम मरीज़ एलिजिबल होंगे प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए। सो अच्छी रही ट्रीटमेंट, जब ज़रूरत थी उस वक्त हमने इस्तेमाल की, लेकिन क्योंकि इस वक्त मरीजों का नंबर भी कम हो गया है तो कोई ऐसी प्रेसिंग नीड नहीं है। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है अपने पैनलिस्ट्स के लिए बिफोर हम अपना शो वो करें क्लोज करें। इस लॉट ऑफ वेमेन हु गेट COVID-19 उसके बाद उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं अबाउट कंसीव करना। सो फॉरन ही आफ्टर इट अगर इवन दो पोस्ट कॉफ रिकवरी वगैरह चल रही है इस पे कोई इशू नहीं होगा इफ दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट अगेन और शुड दे वेट? अभी इस वक्त इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें श्योरिटी से कुछ कहा जा सके।
कॉमन सेंस ये डिक्टेट करती है कि थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि नया इन्फेक्शन है, अभी बहुत सी बातें नहीं मालूम, स्टडीज आ रही हैं, लेकिन क्योंकि ओवरऑल ये है कि माइल्ड इन्फेक्शन होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसमिशन भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सो अगर एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, उसको जारी रखिए, लेकिन अगर प्लान्ड जी, आई थिंक डॉक्टर बुशरा की लाइन ड्रॉप हो गई है, सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई पैनलिस्ट फॉर दिस लवली शो. हमारे पास जितने सवाल आए थे मोर और लेस वो हो चुके हैं, वो पूरे हो चुके हैं जवाब. अगर आप लोगों में से कोई भी कुछ इस वक्त ऐड करना चाहे एज अ टेक होम मैसेज तो आपके पास अराउंड 30 seconds टू 1 minute है. डॉक्टर हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी, आपने जैसे प्रेगनेंसी के हवाले से सवाल पूछा था, तो जैसे डॉक्टर बुशरा ने एक्सप्लेन किया कि अभी इसमें हतमी तौर पर बहुत ज़्यादा रिजल्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ट्रायल्स और एविडेंसेस हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में हमारे पास इंग्लैंड में ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें मदर टू इन्फेंट के अंदर ट्रांसमिट हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और डिलीवरी के बाद बेबी भी पॉजिटिव हुआ है और मदर भी पॉजिटिव हुई है, लेकिन कोई ऐसा केस सामने नहीं आया जिसमें जान को बच्चे की बहुत खतरा हो गया और बच्चे की डेथ हो गई हो, और इतना ज्यादा कॉमन नहीं अभी है, इसके रिपोर्ट कम है. लेकिन चूंकि आप अगर कोविड से रिकवर हुए हैं और अभी आपकी बॉडी वैसे भी बहुत कमजोर एक जिंदगी के हिस्से में है, तो ऐसी पोजिशन में वैसे भी एक बेबी प्लान करना मुनासिब नहीं. तो जनरल गाइडेंस यही होगी कि रिकवरी के बाद जैसे आप कोई भी बीमारी से रिकवर करते हैं, एक हेल्दी बॉडी स्टेट पे पहुंचने से पहले कंसीव करने से इज्तनाब करें, ताकि जब आप अपनी बॉडी की फुल रिसोर्सेस के साथ जब कंसीव करेंगे तो बेबी भी अच्छा नरिश होगा और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांसेस भी बहुत अच्छे होंगे. तो कोशिश करें कि कंसीव ना हो. अगर कंसीव हो जाता है एक्सीडेंटली तो अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रजू करें, देखें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और आपकी अपनी मर्जी क्या है. अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो डॉक्टर के मशवरे के साथ उसको कंटिन्यू रखें और परेशान ना हो. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परेशान ना हो, ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, लेकिन एहतियात करें, अब पूरी तरह रिकवर हो और उसके बाद जो है इसको प्लान करें. थैंक यू डॉक्टर हामिद. डॉक्टर इरफान, आप चूंकि बहुत ज्यादा पेशेंट्स देख रहे हैं, आप लोग डायरेक्टली फ्रंटलाइन हैं, कोई ऐसा टेक होम मैसेज जो हमारे सवालों में ना कवर हुआ और आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन? जो बेसिकली मैं फिर ये कहूंगा जो मैंने सबसे शुरू में कहा था कि सिर्फ कोविड के पेशेंट नहीं, उसके पूरे घर वालों के लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल एंड मेंटल वेलबींग का है. सो इसको इग्नोर ना करें, और इसको जो मिथ्स है ना हमारे यहाँ नफ्सियाती और इस तरह की चीज़ें वो ना लें. बहुत सारे पेशेंट को प्रॉपर साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत है, न्यूरोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है. अपने आप को भी हेल्दी महसूस करें, दूसरों को भी जो है ना ये डिफरेंट किस्म के मिथ्स ना लें. एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिमेन हेल्दी, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. सो हम फिजिकल की तो बहुत सारी बातें होती हैं, मेंटल की भी बातें चल रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और न्यूरोलॉजिस्ट वो सब भी कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड रिकवरी में मेरे ख्याल में फिजिकल के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल और जो हमारी सोशल जो चीज़ें इफेक्ट हुई हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है रिकवरी के अंदर. तो उसको इग्नोर ना करें. एंड अगर आपको लगता है आप में या इवन जो घर के लोगों में कोविड जिसको नहीं भी हुआ है, बच्चे और बहुत सारे नौजवान हम देख रहे हैं जो पल्मोनोलॉजी क्लिनिक में आ रहे हैं विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होती है, घर के अंदर रहने वाली जवान जवान बच्चियाँ हैं, तो दिस इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम. तो इसको जो है ना खासतौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है. हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम मेंटल हेल्थ इश्यूज पे ही है, पोस्ट कोविड रिकवरी का. डॉक्टर बुशरा, आपके लिए आप कोई टेक होम मैसेज देना चाहें जो हमारी कन्वर्सेशन में ना कहा गया? एक तो ये कि ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और जिस तरह इन्फेक्शन बिहेव करते हैं कि आते हैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन में, फैलते हैं, फिर कम हो जाते हैं जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ती है, इस चीज़ को जहन में रखना ज़रूरी है. और एक बैलेंस तरीके से इससे डील करना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाना चाहिए और ना ही बिल्कुल केयरलेस हो जाना चाहिए, क्योंकि एहतियाती तदाबीर जो हैं उन लोगों के लिए भी ज़रूरी हैं जो रिकवर हो चुके हैं इन्फेक्शन से, क्योंकि हम 100% श्योर नहीं है कि री इन्फेक्शन का रिस्क कितना है. तो एहतियात भी करनी है लेकिन बहुत ज़्यादा खौफजदा भी नहीं हो जाना है. एंड
ट्रीट इट एज एन इन्फेक्शन लाइक एनी अदर इन्फेक्शन. और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बात मुस्तनद होती है वो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की होती है जो उस बीमारी के बारे में जानते हैं कि वायरस कैसा है, जिसम में क्या कर रहा है, कैसे फैलेगा. सो र्यूमर मॉन्गरिंग से और जो उल्टी सीधी खबरें आती हैं उनको ज़रा उनसे ज़रा इज्तनाब करें, देखें, सोचें, समझें, हर चीज़ पर यकीन ना करें. बेस्ट एडवाइस है पूरे कोविड के अंदर ही कि मिथ्स से प्लीज दूर रहिए, हर किसी की बात ना सुने. इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट जो इस फील्ड के लोग हैं प्लीज उन्हीं से बात कीजिए. हर अखबार वाला इस वक्त स्पेशलिस्ट नहीं बन गया, हर मीडिया पर्सन इस वक्त स्पेशलिस्ट नहीं बन गया. प्लीज सही प्रोग्राम्स पे फोकस कीजिए और आप अपने सही जीपीज के पास जाके, स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने सवाल पूछिए. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इरफान, डॉक्टर बुशरा, Dr. Hamid Merchant. Inshallah, next week I'll be back with another episode to this. Bahut bahut shukriya. Thank you.